यहाँ पर कपिल शर्मा जी को स्वागत किया जा रहा है, उनको स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। The last two personalities are the two producers who are very talented and are the producers of very famous studio called BU. We are thankful for your presence. We thank all our guests for taking time out and being here and witnessing our culture. We hope you take our music, our culture and tradition as souvenir in words and keep us in your hearts. Of Arunachal Pradesh, he is awarded with a sum of 5,000 rupees. The title Promising Rider goes to Golo Joseph of Arunachal Pradesh. He is also awarded with a sum of 5,000 rupees. Thank you so much आपके प्यार के लिए। एक बार जोरदार तालियां तमाम फेस्टिवल के नाम पे। शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का, और खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सीएम श्री पेमा खांडू जी, जिन्होंने इतने खूबसूरत शहर में, इतने खूबसूरत स्टेट में मुझे आने का मौका दिया। और मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपना एक स्पेशल एपिसोड शूट करने वाले थे यहाँ पे, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हमारी टीम नहीं आ पाई, तो मैं अकेला आया हूँ और साथ में मेरे वो मेरी आधी बीवी ऑन स्क्रीन वाइफ मेरी, वैसे तो मैंने अपनी पर्सनल रखी आजकल, तो हम दोनों ही आए हैं और साथ में हमारे एक दो दोस्त आए हैं। तो क्योंकि बड़ी तमन्ना थी अरुणाचल प्रदेश आने की, और सुना भी था कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतना खूबसूरत है और इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप सबके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। कैसे हैं आप लोग, एंजॉय कर रहे हैं? सर्दी तो नहीं लग रही? अगर लग रही है तो अपनी अपनी वाली का हाथ पकड़ के बैठ जाओ। नहीं, ये मैं कसम से बताऊं, आई एम बेसिकली फ्रॉम अमृतसर पंजाब, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, लेकिन मुझे 10-12 साल हो गए मुंबई में रहते हुए, तो इतनी ठंड मैंने लाइफ में 10-12 साल में कभी नहीं देखी है। मतलब मजा आ गया देख के मुझे। और मैं ये सोच भी रहा था, मैंने कहा यार अरुणाचल प्रदेश के लोग इतने कूल क्यों हैं, इतने ज्यादा स्माइलिंग फेस क्यों है यहाँ पे? होगा ही ऐसे, बिकॉज यहाँ के सीएम ही इतने कूल हैं। जब आपकी स्टेट का मुखिया जो है वो ही इतना कूल हो, तो जाहिर सी बात है जो जनता जनार्दन है उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट जो है वो लाजमी है। सो एक बार हमारे सीएम साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही दोस्तों की तरह, परिवार की तरह रहते हूँ। सो मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ किस तरीके से लोगों से मिलते हैं। मैं एक दो जगह घूमने भी गया, बाकी कल भी बहुत सी जगह पे जाऊंगा। और मुझे अब बार बार ये सोच के लग रहा है कि यार मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, काश 2 महीने के लिए आता, बिकॉज जितना बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, जितना खूबसूरत है, मुझे लगता नहीं है कि 2 दिन काफ़ी होंगे। सो शुक्रिया एक बार फिर से आपके प्यार के लिए। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊँ, सर्दी के मौसम में ये कॉमेडी वॉमेडी करना बड़ा मुश्किल है, ना ही मेरे से उम्मीद कीजिएगा आप, क्योंकि एक तो मैं सुना रहा हूँ खुद कांप रहा हूँ, और जो सुनने आए हैं वो भी कांप रहे हैं, ताली बजाते ही नहीं, क्योंकि जेब से हाथ निकलेगा तो ताली बजाएंगे। मुझे यहाँ के डीजी साहब मिस्टर RP उपाध्याय ये बता रहे थे, बड़ी मजेदार बात है ये, कहते कि अरुणाचल प्रदेश में जो क्राइम है उसकी रेट 0 है, इस बात के लिए भी तालियां बनती हैं। पुलिस थानों में कोई कंप्लेंट ही नहीं है, तो मैंने भी उनसे बोला, मैंने कहा चोरी चकारी का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतनी ठंड है, आदमी अपनी जेब से हाथ बाहर निकालेगा तो दूसरे की जेब में डालेगा। एंजॉय कर रहे हैं, पूरा अरुणाचल प्रदेश खुश है। अच्छा कितने लोग हैं जो अपनी अपनी बीवियों के साथ आए यहाँ पे, हाथ खड़ा करो जरा। और कितने लोग हैं जो बीवियों के बिना आए हैं?
अच्छा जो बीवियों के बिना आए उनका जोश ही अलग है, क्योंकि बीवियां जो होती है ना, मैं तो खैर लड़का हूं, अदरवाइज स्टेज पे कोई लड़की आई हो ना तो आदमी बीवी के डर से अप्रिशिएट भी नहीं कर पाता, क्योंकि आदमी डरा रहता है। मुझे याद है एक बार मुंबई में एक न्यू ईयर का प्रोग्राम हो रहा था, मैं ही उसको होस्ट कर रहा था और स्टेज पे नाच रही थी मल्लिका शरावत। इतनी सर्दी में मैंने इतनी गर्म अभिनेत्री का नाम लिया, स्टेज पे मल्लिका शरावत नाच रही थी और सामने सब शादीशुदा लोग बैठे हुए, किसी के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, सबके सब यूं देख रहे, वो अपना डांस कर रही मैया मैया गुलाबी तारे चले जा रहे, और सबके सब शादीशुदा लोग 50 के ऊपर यूं करके देख रहे हैं मल्लिका शरावत को। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, एक आदमी के चेहरे पे गलती से मुस्कुराहट आ गई और बीवी घूर के देख रही, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो अपनी अम्मा को। आदमी वैसे घबरा गया, अरे नहीं नहीं वो तो मैं इसलिए देख रहा था बहन जी अच्छा नाच रही है। आदमी डरा रहता है। ये जो बीवियां बैठती है ना पति के बगल में बिल्कुल चिपक के, ये पहले पहले शादी के एक दो साल में तो प्यार होता है, लेकिन उसके बाद में ये इनके दिमाग में शक का कीड़ा उपजने लगता है। तो ये पति के जो साथ बैठे ना यूं करके, जिनकी शादी नहीं हुई मैं उनको बता दूं क्योंकि मेरी हो चुकी है पिछले साल, तो ये जो बीवियां बगल में बैठी रहती ना, ऊपर से सर्दी का मौसम है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार काश हम भी शादी कर लें, हमारी बीवी भी यूं बगल में बैठेगी, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये जानबूझ के बैठी होती है यूं करके, कि ऐसे फंक्शन में आप कहीं जाओ सामने कोई खूबसूरत अभिनेत्री आए और आपके चेहरे से स्माइल निकले और बीवी ने ये जो कोहनी होती ना कोहनी, ये पति के गैलब्लैडर पे सेट करके रखी होती है, जरा सी हरकत करो ठप करके पथरी समेत पित्त बाहर आता है। पर आप लोग बड़े प्यारे हैं, मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं है, बाकी आप बेहतर जानते हैं जी। सपना चौधरी का लड़के, सपना चौधरी, सपना चौधरी को लेके आऊं, ये मेरा भाई, ऐसे लोग मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं कौन आया कौन नहीं, अपने 6 पैक मार के आया। अल्लाह कपिल शर्मा, एक गाना सुनाओ कुमार शानू का उदित नारायण की आवाज में। शादी हो गई भाई साहब आपकी, हो गई तो जाके हनीमून मनाओ, इधर क्या कर रहे हो तो? अच्छा एक मैंने और चीज देखी है, यहाँ पे हनीमून बनाने बड़े लोग आते हैं। मुझे एक बात की बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे पूरे अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो मुश्किल से 15-16 लाख है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा नहीं कहीं पे भी आज इतना ज्यादा हजूम यहाँ पे, इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन कहीं पे भी ट्रैफिक का कोई नामो निशान नहीं, और इसका श्रेय हमारे पुलिस वाले भाइयों को भी जाता है। एक बार हमारी पुलिस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज ऐसे जो फंक्शंस होते हैं ये पुलिस की कुशल कार्यवाही के बिना होने असंभव है, और हमारे जो CM साहब हैं उनकी अपने सारे तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे पुलिस है चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, ऐसा दोस्ती भरा व्यवहार मैंने पहली बार देखा है। सो दिल से दुआएं निकलती हैं आप लोगों के लिए। तो मैंने जब आया तो मैंने थोड़ा बहुत अरुणाचल के बारे में और सुना, पता चला कि 15-16 लाख की पॉपुलेशन है और ये जगह ऐसी है जहाँ पे लोग हनीमून मनाने आते हैं। अच्छा लोग हनीमून मनाने इधर आते हैं, पॉपुलेशन जाके अपनी स्टेट की बढ़ाते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को श्रेय देना चाहूंगा, ये आप लोगों की तारीफ करनी चाहता हूं कि इतनी सर्दी के मौसम में भी आपने पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखा है। हालांकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ भी जाए तो आप पे गुस्सा नहीं करेगी गवर्नमेंट, माहौल ही ऐसा है। तो एक बार फिर से जो अपनी अपनी बीवियों के लिए साथ आए हैं, अपनी बीवियों के लिए तालियां हो जाए, और जो बीवियों के बिना आए हैं वो एंजॉय में तालियां बजाइए। ये जो अच्छा मुझे कई लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आप गाना सुनाओ गाना, मैं वैसे सिंगर हूं नहीं, तो मेरा शो चल गया आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, तो मैं थोड़ा बहुत मस्ती मजाक करता रहता हूं। पर बड़ी बार ऐसा होता है जैसे ये भाई साहब अभी बोल रहे थे ना कि सपना चौधरी को लेकर रहा हूं, तो ऐसे बहुत बार अजीब अजीब फरमाइशें आ जाती हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनको आप सुनते हैं बड़ा प्यार करते हैं, तो मैं दो दो शब्द उनकी कॉपी करने की कोशिश, मैं ये तो नहीं कहूंगा कॉपी करूंगा बिकॉज बड़े दिग्गज लोग हैं सब, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको मजा आए। तो जगजीत साहब, जगजीत सिंह जी,
एक बार जगजीत जी के नाम की जोरदार तालियां हो जाए। जगजीत जी की बड़ी प्यारी मखमली आवाज है। सो आज मैं, मैंने बताया जैसे मैं अकेला ही आया हूँ, मेरा बैंड भी साथ में नहीं है, तो पीछे मेरे दोस्त को ही बैंड लगा हुआ था। मैंने किसी को, अगर कोई है तो वो आ जाए प्लीज, अगर ड्रम लगा हुआ है इस तरफ भी और इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन के थोड़ा हमारी जनता को मजा आएगा और कुछ नहीं। तो अगर एक बार आप लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए, हो सकता है मिल जाए, कहीं गुम हो गए। तो जगजीत सिंह जी कहीं पे बड़ी अपनी प्यारी आवाज में गजल सुना रहे थे। दिनेश लेना पड़ता तुमको देखा तू, थोड़ा रिवर्क देना दादा, साउंड थोड़ा सा डिले। तुमको देखा तू ये बयान तुमको देखा तू ये बयान जिंदगी तुम बीच में शराबी खड़ा हो गया। जगजीत जी एक ख्याल जो आपको अच्छा आया मेरे को मालूम है, लेकिन मुन्नी बदनाम हो गई पता चला, एक दो लाइनें मुन्नी बदनाम हो गई हो रहे थोड़ा। अब जगजीत जी प्यारे कलाकार, ऑडियंस जो होती है भगवान का रूप होती है, आपकी फरमाइश सर माथे पे सर आंखों पे, तो जगजीत जी मुन्नी बदनाम हुई कैसे गा रहे हैं, गाना पड़ रहा है, चलते फंक्शन में। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शिला भी जवान हुई मेरे बदनामी। एक बार जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां बजती हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गानों को हम हमेशा सुनते हैं और जिनकी आवाज को हम सुनते हैं तो वो हमेशा हमारे बीच में ही है, तो ऐसा मेरा मानना है। अच्छा हरिहरन साहब को कौन कौन जाता है, हाथ खड़े करो। आप सब बॉलीवुड फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, मैं दो लाइनें उनकी सुनाता हूं। हरिहरन साहब भी कहीं पे परफॉर्मेंस दे रहे थे, पुलिस वालों का फंक्शन था, तो अपना बड़ा पॉपुलर गाना गा रहे थे। अब गिटार को भी इतनी ठंड लग गई उसकी आवाज ही नहीं निकल रही है। ये देखिए मेरा दोस्त दिनेश, इसका मुंह सिकुड़ के लेदर का हो गया क्योंकि सर्दी इतनी है। मैं इसकी खासियत बताना चाहूंगा, ये सिर्फ अच्छा गिटारिस्ट नहीं है, बहुत अच्छा इंसान भी है, और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो 6-6 दिन कपड़े भी नहीं बदलता। तो ये मेरे से 2 दिन पहले ही आ गया था, परसों से सेम अंडरवेयर पहना हुआ इसने, और मैंने इसे पूछा, मैंने कहा बदल क्यों नहीं रहा, बोलता है अंडरवेयर का जो टेम्परेचर है बॉडी के हिसाब से सेट हो गया है, अभी मैं अगले महीने चेंज करूंगा जब मैं मुंबई वापस जाऊंगा। दिनेश के लिए भी जोरदार तालियां यार, हर मजाक को हंस के लेता है। मैंने एक और चीज देखी है सर, जैसे आगरा हो गया या दिल्ली हो गया, वहां पे टूरिस्ट घूमने आते ना अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज लोग कुतुब मीनार देख रहे होते, हमारे लोग अंग्रेजों को देख रहे होते। पर मैंने यहाँ पे उल्टा देखा है, यहाँ पे आप सबके खुद के रंग इतने लाल हैं, अंग्रेज आके उल्टा आप लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। इतने प्यारे लोग हैं, कसम से ऐसा लग रहा है सेब अभी अभी तोड़ के रखे हैं यहाँ पे। ये देखिए कितने खूबसूरत चेहरे हैं, जहां जाता हूं प्यार ही प्यार। और ये एक स्वागत करने का तरीका बड़ा अच्छा है, जो वो गले में मफलर या दुपट्टा डाल के, मेरे पास सुबह से 2500 दुपट्टे इकट्ठा हो गए। मैं मुंबई जाऊंगा मैं तो बेच भी सकता, पर शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, जैसे कह रहे थे इतने प्यारे चेहरे। अभी मॉनेस्ट्री में मैं गया दोपहर में,
छोटे छोटे बच्चों से मिला, इतने प्यारे, सबके चेहरे पे सेम स्माइल, सबकी कटिंग भी सेम, सबके कपड़े भी सेम। कई बार तो मैं एक एक बच्चे के साथ दो दो बार फोटो खिंचा गया, पता नहीं चला मुझे, इतने प्यारे। और बड़ी शांति मिलती वहां पे जाके, शांति तो मिलेगी, शादी ये लोग करते नहीं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है कि बीवियां होती हैं तो शांति नहीं मिलती, मैं उन बीवियों की बात कर रहा हूं जो यहां पर नहीं है। आप तो सब प्यारी बीवी हैं सबकी। तो अच्छा, मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोलती है, मुझे बोलती है तू लोगों को हंसाता है, पुण्य का काम करता है, लेकिन मुझे तब लगता है जब शादीशुदा आदमी के चेहरे पे स्माइल आती है, जब शादीशुदा आदमी हंस के ताली बजा दे, तब समझो हमारा काम संपूर्ण। तो एक बार शादीशुदा लोग अपने अपने लिए, अपने अपने लिए तो कोई नहीं बजाएगा, अपनी बीवियों के लिए तालियां बजाओ, मैं देखता हूं कितना प्यार करते हो। वाह, करवा चौथ रखते हो आप लोग? अपने पतियों के लिए करवा चौथ रखते हो? हाथ खड़ा करो अगर रखते हो तो। नहीं रखते तो ये जिंदा कैसे है? अच्छा, एक तो ठंडी में ना इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुसुकी पानी भी नहीं ज्यादा पिया, पर फिर भी ऊपर से रास्ते ऐसे हैं ना गाड़ी में, यूं यूं करके गाड़ियां ऊपर और प्रेशर बन जाता है, मौका भी नहीं मिलता बाथरूम जाने का। और अगर कहीं भगवान की दया से मौका मिल भी जाए तो आदमी ने कपड़े इतने पहने रहते हैं, एक तो जीन्स, ऊपर से वार्मर, नीचे से उसके अंदर फिर मोटा वाला जाड़ा वाला कच्छा, और जब तक आदमी वो उतारता है इस चक्कर में आदमी अपनी पैंट धो डालता है। पर सर्दी में मजा तो बड़ा आता है, एक तो बात है कि आप सब लोग सर्दी को एंजॉय करते हो कि गर्मी को? सर्दी को कौन कौन एंजॉय करता है और गर्मी को? गर्मी में ज्यादा मजा नहीं आता। मैंने देखा यहाँ पे तो आपके ना चेहरे पे नेचुरल ब्यूटी है। मैंने यहाँ की जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, आपकी जो फैमिली से लोग हैं, सब इतने प्यारे हैं, इतनी स्माइल है चेहरे पे। आपको कुदरत ने वैसे ही ब्यूटी दी है, वैसे खूबसूरती दी है। नहीं तो बड़े बड़े शहरों में जहां इतना ट्रैफिक होता है, औरतें 10-10 हजार रुपया मुंह पे खर्च करती तब जाके सुंदर लगती है, वो भी 2 घंटे के लिए। शाम को मेकअप धुलता है, उसी औरत के मुंह पे मूछें निकल आती हैं। वैसे भगवान ने इतना खूबसूरत बनाया है। और मुझे एक बात की और खुशी है कि लोगों ने हंसना खेलना शुरू किया है, लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है। नहीं तो अगर आप 10 साल पहले की हिस्ट्री देखो, कितने टीवी सीरियल्स आते थे रुलाने धुलाने वाले, हालत ये हो गई थी कि रात को एकता कपूर नहीं सोने देती थी, सुबह सुबह बाबा रामदेव जल्दी उठा लेते थे। बाबा रामदेव, उन्होंने भी क्या योगा करवाया लोगों को, कितना क्रेज योगा का, यू यू करने वाला एक योगा होता ना लोगों, वो जो करते थे, मैंने देखा पार्क में इतने क्रेजी लोग, मैंने देखा एक बार 6 औरतें ऐसे ऐसे कर रही थी, मैंने कहा आंटी इससे होता है क्या? कहती बेटा इससे बाल निकला से। तो एक आंटी मुंह पे दुपट्टा लेके यू यू कर रही थी, मैंने कहा आंटी आप क्यों मुंह ढक के बैठी हुई है? कहती बेटा मैंने 6 महीने किया, बाल तो निकले नहीं, मेरी मूंछें निकल आई। तो कभी कभी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं अच्छा गाने की बात कर रहा था, थैंक यू ब्रो। अच्छा हरिहरन साहब, दिनेश पौड़ देना जरा, हरिहरन साहब जिन्होंने बड़े ही बाकमाल गाने गाए हैं, मैं उसी बात पे आता हूँ कि लोग कभी कभी कैसी फरमाइश करते हैं, जैसे भाई साहब सपना चौधरी वाले, तो हरिहरन साहब एक गाना गा रहे थे, दिनेश देना कॉर्ड। तू ही रे मेरे बिना कैसे जी, तू ही रे तू ही तेरे बिना कैसे जी, अजरे 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 की जमीन पे तू चल आके मुझसे मिल जा तू, या फिर सामने सारी पुलिस बैठी हुई थी। और हरिहरन साहब को आदत है अपना हेयर स्टाइल बदल लेते हैं, एक दिन चोटी करके और दाढ़ी रख के आ गए थे इस फंक्शन में। तो एक पुलिस वाले मेरे दोस्त थे शमशेर सिंह, तो वो पूछ रहे अपने असिस्टेंट से, कहते ये जो बंदा चोटी वाला गा रहा है ये कौन है? कहता सर ये बड़े मशहूर सिंगर हरिहरन जी हैं। कौन? सर हरिहरन, ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन क्या हुआ? कहता सर बड़े मशहूर हैं, तो इनको कहो कोई मुन्नी शीला टाइप सुनाए।
तो हरिहरन जी कहते मैं ऐसे गाने नहीं गाता, मैं सिर्फ अपने ही गाने गाता हूँ। उन्होंने पिस्तौल निकाली, उसी वक्त मुनीरे तेरी कहाँ गई चुनीरे अजरे अजरे आके दे जरा चुनीरे। एक बार हरिहरन साहब के लिए जोरदार तालियां। हर एक सिंगर का अपना स्टाइल होता है, जैसे हमारे एक साउथ के सिंगर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब, उनका अंदाज ही ऐसा है, वो बड़े रिलैक्स होकर गाते हैं, ऐसा लगता है स्पा में बैठे हुए हैं, बड़ा रिलैक्स होके। आज शाम होने आई मौसम ने ली कढ़ाई, तो सो के उठ के आए तो किस तू चल मैं तू चल मैं सर्दी थोड़ी कम हुई कि अभी भी नहीं, अभी भी लग रही है आप लोगों का, तो फिर भी ठीक है, दो दो मार के आए होंगे, हम लोग तो चाय पीने वाले आज हुए तो हमारी तो मुझे लगता है 6 महीने तक सर्दी बाहर नहीं निकलने वाली। तो जितने भी मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, कुर्सियाँ जिनके लिए लगी हुई हैं, जहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा देर खड़ा रहने से पाँव भारी हो जाता है, नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, होता नहीं वैसे, होता उसी प्रोसेस से। सो आपके प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए शुक्रिया। आज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। सो मैंने जैसे पहले बताया, मैंने बताया कि जैसे हम लोग एक एपिसोड शूट करने वाले थे, यहाँ पे शूट करके हम टीवी पे चलाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। सो मेरा मन था कि मैं आप लोगों से मिलने जरूर आऊँ, सो मैं जस्ट आप लोगों से मिलने आया था। आज ना मेरी टीम है ना मेरा बैंड है, सो मैं अकेला ही आया हूँ। सो लेकिन फिर भी इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए, इतनी दुआओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। थैंक यू सो मच। अभी मैं यही हूँ सारी रात, मैं भी यहाँ पे बैठ के आज अपने भाई बंधुओं को, सिंगर्स को यहाँ पे सुनने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम लोग बैठेंगे आज, आज सारी रात नाचेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है फेस्टिवल का, तो आज कोई भी घर नहीं जाएगा, पक्का प्रॉमिस, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। ओ थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बोला मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी है हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालो मुझको हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी है हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला, दिल में तेरे बाप तेरे
तस्वीर कहते हो दीवार पे, दिल तेरे बाप तेरे, तस्वीर कहते हो दीवार पे। मैं लुट गया मान कर दिल का कहा, कब दिल बेदारा गुलाबी आगे जो तेरी देखी शराबी थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरह खुश रहें, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, कोई दुख आपको कभी छुए ना, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू।